अयोध्या में आज मुहर्रम के 10वें दिन नम्र आंखों से लोगों ने ताजिया को दफन किया। इस दौरान हुसैन अलविदा की गूंज रही। शहर के बड़ी बुआ स्थित कर्बला में ताजिया दफन किए जा रहे हैं। शहर की अंजुमन जुलूस निकाल कर कर्बला पर पहुंच रहा जुलूस व कर्बला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। बता दें कि मुसलमानों के लिए बेहद गम भरा मुहर्रम का महीना होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथी कर्बला की जंग में शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। शहर के सभी मोहल्लों से ताजिया का जुलूस निकालकर शहर के प्रमुख चौराहे होते हुए बड़ी बुआ कर्बला पहुंचा, जहां पर ताजिया को सुपुर्द खाक किया गया। मुहर्रम के अवसर पर जगह जगह पर खाने पीने के स्टॉल व शरबत की सभी लगाए गए थे और वक्फ बारी ताला कर्बला के गेट पर स्टेज बना था, जहां पर अंजुमन ने नातिया कलाम पढ़ा और अंजुमनों को हौसला अफजाई के लिए पुरस्कृत किया गया। वहीं बारी ताला कर्बला के सेक्रेटरी आसिफ नवाब ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रशासन ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था और मुहर्रम का जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अयोध्या SSP राजकरण नैयर ने कहा कि मुहर्रम को लेकर सभी थानों में जुलूसों के साथ पुलिस की व्यवस्था की गई है और सभी कर्बलाओं पर ड्यूटी लगाई गई है। दरअसल अयोध्या में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक आज कर्बला में ताजिए दफन हो रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ वो न जाने कितनी कितनी साजिशें रच रहा था और बुराइयों को किस कदर उसने आम कर रखा था, और यही वजह है कि उसने कर्बला में इमाम हुसैन अलैहिज्जदी अलैहिस्सलाम के सामने तकरीबन 12,000 का लश्कर भेजा ताकि इमाम हुसैन को किसी भी तरीके से डरा धमका करके उनको मनवाया जाए और हमारी हर बात पर वो लबैक कहें। मगर सैयदना इमाम अली मकाम अलजद्दी अलैहिस्सलाम ने हक़ का परचम हमेशा बुलंद रखा। यजीद के हाँ में हाँ नहीं मिलाया, यजीद की बयत कबूल नहीं की, और आज ही की वो तारीख है कि हक को बुलंद करने के लिए उन्होंने कर्बला के मैदान में डटकर यजीदी फौजों का मुकाबला किया और लड़ते लड़ते जाम शहादत को नोश किया। जनपद अयोध्या में मुहर्रम की दशमी के जुलूस आज इस समय चल रहे हैं। सभी थाना क्षेत्रों में सभी जुलूसों के साथ पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। इसके अलावा अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी और PAC की टुकड़ियों को लगा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पे भी किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। जो हमारा यातायात है वह सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। अन्य सभी विभाग के लोग, चाहे नगर निगम से हों, चाहे बिजली विभाग से हों, चाहे प्रशासन से हमारे मजिस्ट्रेट्स हों, सब पुलिस मजिस्ट्रेट सब मिल करके जॉइंट संयुक्त तरीके से विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स में एरिया को विभाजित करके कार्य कर रहे हैं। सभी कर्बलाओं पर ड्यूटी लगी गई है और विभिन्न POTs विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई है, तो सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक से सब जो आज का ये है और जुलूस है वो सब ठीक से संपन्न। आज माह मुहर्रम की 10 तारीख इस गमी के अवसर पर जनपद अयोध्या की समस्त स्थानों पर स्थापित ताजिया, जो आज संबंधित कर्बला बड़ी बुआ बेनीगंज में दफन की जाएगी। इसी तरह शहादतगंज स्थित कर्बला में भी ताजियाएँ दफन की जाएंगी। सभी आशिकान हुसैनी कर्बला के 72 शहीदों की याद मनाते हैं और उनके दिलों में गम है। ये मौला हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु की शहादत हुई थी आज के दिन, उनको शहीद किया गया था, उनके गमे हुसैन हम लोग मनाते हैं यहाँ, और यहाँ कम से कम हज़ारों की तादाद में ताजिया दफन हो बारी ताला कर्बला शरीफ है। ये बहुत पॉपुलर रही है यहाँ की, शहर की जितने भी अंजुमन ताजिया वगैरह जितने भी जो कुछ भी है सब यहीं आके दफन होते हैं।